देखिए सर, ये है हमारा स्पिनिंग टॉप का। एग्जैक्टली अगर बात करें तो केवल डोजी में बॉडी थोड़ी ज्यादा है ना। बात क्या है कि जब अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है एंड जहां बायर्स और सेलर्स इक्वली, बायर्स नीचे से बाय कर रहे हैं और सेलर्स ऊपर से सेल कर रहे हैं, यानी जी अगर बात करें तो 50-50% वेटेज मैं बोल सकता हूँ दोनों का है यहाँ पर। अब 50-50% वेटेज उस माहौल में जब आपका बुलिश मार्केट चल रहा है, तब अगर मार्केट में फाइट दे रहा है सेलर, तो हम ये सोच सकते हैं कि चांसेस अब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। भाई जी अगर नॉर्मल कंसोलिडेशन मार्केट है, वहां बायर सेलर जो लगा रहे हैं बराबर चल रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बिल्कुल बढ़ते मार्केट में जहां बायर्स फुल्ली डोमिनेट कर रहा है और वहां पर अगर सेलर्स भी इक्वली वेटेज रख रहा है ना, इक्वली वेटेज दे रहा है, सेल कर रहा है, नीचे के ऊपर जा रहा है तो वो सेल कर रहा है, नीचे जा रहा है तो ये बाय करने, तो यहां पर ओके क्या okay. साइन मिल रहा है हमें कि यार यहां पर कुछ हो सकता है। अच्छा, जो दादा मेरे को समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि एवरी टाइम बायर सेलर तो एक्टिव रहते ही हैं, बायर उनकी सेलर्स तो कंडीशन एक्टिव तो रहेंगे। उन्हीं की एक्टिविटी से ये ग्राफ बनते हैं, चाहे हाँ तो वो हाँ डोजी हो, चाहे स्प्रिंग टॉप हो, चाहे कैंडल हो, हमें करेक्ट? इनके नाम पे नहीं जाना सर, हमें ये देखना है कि हाँ हाँ यार इसमें जब बाइंग चल रही है तब क्या सेलर डोमिनेट करने के लिए आ रहा है। अगर वो डोमिनेट करने के लिए आ रहा है तो फिर मेनली क्या, जैसे आप स्पिनिंग टॉप पढ़ रहे हैं, लाखों लोग स्पिनिंग टॉप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बड़ा प्लेयर ने भी पढ़े हुए हैं, तो जब उसे दिखेगा कि हाँ यार यहाँ पर बायर सेलर्स एक्टिवली दोनों इक्वली वेटेज रख रहे हैं, तो उसके भी दिल में आएगा कि यार क्या पता गिर जाए, तो वो अपना मार्केट, कुछ कुछ बायर्स अपना मार्केट निकाल दे, शेयर्स निकाल देंगे, ठीक है, अपने जब वो अपने माल निकालेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा। बिल्कुल तो ये वर्क कैसे करते हैं, कोई सा भी अगर आपका पैटर्न हो, कोई सा भी कैंडलस्टिक हो, ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीजें केवल आप और मैं नहीं पढ़ रहे सर, ये सब लोग पढ़ रहे हाँ, हैं। ये तो है, मेरा हर आदमी जो दूसरी तरफ बैठा है वो हर जब चीज जब एनालाइज तो हर आदमी कर हाँ, रहा तो है। उनमें से जब 5% भी बड़ा प्लेयर अगर पैसा निकालता है तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। जब पांच परसेंट भी प्रॉफिट बुक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सल जनरेट होगा। और कहाँ तक रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे, जो लास्ट स्विंग रहेगा सर, है ना, ओके, इससे वहां, प्रीवियस वाला ना, हाँ प्रीवियस स्विंग की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस है ना स्विंग लो, तो ये वहां प्रीवियस स्विंग का, प्रीवियस स्विंग का लॉजिक क्या होता है भाई? सर सर देखिए, ये जैसे नीचे जा रहा है, यहाँ से बायर्स ने एक्टिव हुए, फिर नीचे आया, फिर बायर्स एक्टिव हुए, फिर नीचे आया, ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स तो कहीं ना कहीं एक्टिव होते रहेंगे, तो कहाँ पर अब नेक्स्ट एक्टिविटी बायर्स की आएगी वो हम जज कर रहे हैं कि यार यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कहाँ पर आएगी, जहाँ पहले इसने सपोर्ट लिया था, तो कम से कम जी वहां तक तो जाएगा। उसके बाद अच्छा अगर वो तोड़ देगा, वहां रेजिस्टेंस फेस किया, तो फिर बड़ा फॉल होगा सर, जो हमने टाटा मोटर्स में देखा था। जो अपना प्रीवियस वाला जो स्विंग हाँ है। अगर उसने तोड़ दिया नीचे, उसको रेजिस्टेंस फेस किया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने एसएल को शिफ्ट करेंगे, ना कि प्रॉफिट बुक करेंगे, अच्छा है ना, अच्छा या तो एसएल कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे या फिर छोटे से प्रॉफिट की साइड आ जाए, आके बैठ जाएंगे, क्योंकि ठीक अगर ठीक वो टूटा ना तो हमारे जो महीने भर की हम ट्रेडिंग से अर्निंग करते हैं वो एक ही दिन में कर लेंगे, ओके ठीक नहीं, है। कैसे रिपीट करना, जरा मेरा एक कॉल आ गया था। जैसे हमने टाटा मोटर्स में किया था, इफ यू रिमेम्बर, 5,000 का हमारा हाँ रिस्क था और हम जब 25,000 का बेनिफिट हुआ तो फिर हम आके बैठ गए थे 7,000 के बेनिफिट पे, जी जी और जी उसके बाद वो लेवल जब टूटा तो फिर एकदम वो 1.5 लाख तक पहुंच गया था। लेकिन दादा ये चीज कैसे कैसे आती है, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? अभी तो मेरे को, कॉन्सेप्ट जैसे सीखिए, मैं, कॉन्सेप्ट मेरे को में तो अभी ये बताता समझ हूँ। में आ रहा है खाली कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली। जो मैं बताता हूँ आपको, मैं सिर्फ अभी आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ जैसे एंट्री ले ली, ठीक जी, है, एंट्री ले ली, मैंने एसएल बुक कर दिया। एसएल बुक कर दिया एंड टारगेट। टारगेट में वही कह रहा हूँ, मैं टारगेट को कैसे देखूँ मैं, क्योंकि टारगेट तो मेरे को अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है। टारगेट में सर हमें अभी जितना हमने स्टडी की, हमने ज्यादा स्टडी नहीं की, हमने जितनी स्टडी की है उसके हिसाब से टारगेट, पहला टारगेट क्या रहेगा, जो लास्ट स्विंग रहेगा, बस अभी लास्ट उस पे रहेगा, फोकस अच्छा, करना। और चाहे ये वो प्लस में, चाहे वो सेल में, चाहे बाइंग में, हाँ दोनों में हाँ इस, बिल्कुल सर, है ना जैसे अगर ये स्विंग हुआ, ये ऊपर ये जी? था और नीचे यहाँ आया, ठीक है, हाँ, तो तो अगर ये मैं अब बाई मार्केट कर ऊपर बाई जा कर रहा रहा हूं, है तो ये लास्ट स्विंग लो के लिए ये रहेगा, और अगर नीचे गिर रहा है और हम बाय कर रहे हैं तो लास्ट स्विंग हाई के लिए ये रहेगा,
ठीक है, तो जो भी लास्ट स्विंग रहेगा अभी तक जो हमने स्टडी किया उसमें वो हमारे टारगेट रहेंगे, बट विथ प्रॉपर एसएल। हम ये टारगेट की बात क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि टारगेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एसएल हम फिक्स हो चुका, टारगेट हमें एक अराउंड टारगेट मिल जाएगा तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा सर, ओके है ना। अच्छा और अच्छा अगर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया तो फिर क्या रहेगा, हमारा कैपिटल तो मैनेज रहेगा। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब यह है कि जो आपने मुझे एसएल का समझाया हाँ, तो उसको मैं थोड़ा समझ पाऊंगा कि मैं इस रिस्क पे चल रहा हूँ। अब एसएल में आपको पता है क्या, 2 पॉइंट की रिस्क है जी। अब आपका टारगेट कितने पॉइंट का है वो इम्पोर्टेंट है कि यार वो 4 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 1 रुपया में मार्केट को देने की सोच रहा हूँ तो 2 रुपए तो लेने की सोचूंगा। हाँ। अगर मैं 2 रुपए से भी कम लेके चल रहा हूँ, 10 पॉइंट का रिस्क और 5 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो क्या फायदा सर ऐसी ट्रेड का। ठीक, तो हमें ट्रेड क्लियर कब होगी, जब हमारा रिस्क होगा और रिवॉर्ड होगा। रिवॉर्ड के लिए क्या है, पहला टारगेट हमें क्लियर होना चाहिए। पहला टारगेट क्या है, जो लास्ट स्विंग लो रहेगा, ओके है ना। तो वहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। मैं बुक करने की नहीं बोल रहा, बुक करने की नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड निकल जाए, कैपिटल मैनेजमेंट हो जाए, हमारी क्वांटिटी फिक्स हो जाए, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हाँ इस पे बुक करना है या यहाँ पर हमें एसएल को ट्रायल करना है। ओके ठीक है। तो दादा ये, लेकिन ये जो ये है, इतना इतना जितना आप इजीली बता रहे हैं, इतनी इजीली हो पाती है चीजें सर? देखो टेक्निकल एनालिसिस तो इजीली है, जैसे साइकोलॉजी इनबिल्ड होती है ना। जैसे अगर आप अभी अभी यूट्यूब पर 10 चीजें देखेंगे तो 10 अलग अलग कंसेप्ट आपके माइंड में रहेंगे, और कंफ्यूजिंग माइंड जब रहेगा ना सर, तो वहां पर क्या है, ना प्रॉफिट ले पाता इंसान, ना एसएल ले पाता। हाँ यही चीज, ये मेरा डाउट है थोड़ा। तो जब आप कंफ्यूज होंगे, जैसे अभी हम चाहे कोर्स कर लें उसके बाद भी नेक्स्ट डे जब भी आप ट्रेड करेंगे यूट्यूब पर 10 चीजें देखेंगे, करता इंसान का नेचर होता है वो अपने नहीं, में बिलीव से ज्यादा दूसरे पे बिलीव करता। मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं अभी क्या होता है कि जैसे मैं आपकी क्लास से ना पहले कभी भी यूट्यूब नहीं देखता। क्या करता हूँ मैं, जैसे मैं आपने मुझसे डिस्कस मैंने आपके साथ डिस्कस क्लास ली डिस्कस करा, उसके बाद क्या होता है, जो मैंने आपने केस स्टडी दी मुझे, मैंने उसको स्टडी किया। जी जी उसके जी। बाद जब कोई भी मौका मिलता है, जैसे मैं फेसबुक देख रहा हूँ या यूट्यूब है तो उस पर है, तो उस पर ना मुझे ये चीज पता चल जाती है कि यार ये है। हाँ हाँ मतलब जो ऑलरेडी आपने मुझे समझाया तो उसका एक कॉन्सेप्ट मेरे को बन जाता है। नहीं नहीं वो जरूरी है सर, वो कॉन्सेप्ट होना ही, बस जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उन्हें बिगाड़, क्योंकि 10 चीजें मिलेंगी सर, कुछ पॉजिटिव मिलेंगी कुछ नेगेटिव मिलेंगी, उन कॉन्सेप्ट को बिगाड़ना नहीं है हम, क्योंकि मैं नहीं, वो बन ही नहीं रहे ना, अब बनना तो आपके साथ शुरू हो रहा है ना। वही चीज है, जैसे अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे आगे नहीं बढ़ना, आराम से अपन को लेवल यानी एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है, डाउट क्लियर करते चलना है, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। जब डाउट क्लियर रहेंगे तो आप कितना भी सोशल मीडिया पे देखिए आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। दादा मैं एक चीज अभी मेरे माइंड में आ रही थी, जो आपने मुझे केस 4-5 केस स्टडी बताई थी, ये डोजी की और पहले से पहले कैंडल की, तो इसकी मैं पेपर ट्रेड करके दिखाऊंगा पुराने वाले में या किसी उसमें। सरकार मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि पेपर ट्रेड जब करेंगे ना तो वहां पर आपको, मेरा मानना ये नहीं है कि आप पेपर ट्रेड करो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मेरा मानना यह है कि आप जब पेपर ट्रेड करेंगे तो वहां पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड और अपना कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बोला आप एक वर्चुअल अमाउंट लेके चलिए कि 1 लाख मेरे पास है, अब 1 लाख को मुझे ट्रेड करना है तो मैं किस तरह ट्रेड करूँगा। ठीक 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 है। जब आप उस 1 लाख से रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जैसे अपना डे लॉस है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अभी से ध्यान रखेंगे, तो जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे तब भी वो चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो आपने मुझे कराया कि पहले मैं आपको एक वर्चुअल ऐसे ट्रेड बना के दिखाता हूँ, आप ट्रेड फिर लाइव मार्केट में, अरे आप 11 बजे ज्वाइन करते हैं ना हम लोग, अभी तो मार्केट, मैं क्या करूंगा, अभी मार्केट चल रहा है सर, आप अभी ट्रेड ढूंढिए साथ में कीजिए। अच्छा, दिक्कत क्या है, अपन को तो सीखना है ना, अपन को ट्रेड करना।